नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अभी अभी एक ही ट्रैक पर पहुंच गई दो ट्रेनें, हुआ बड़ा हादसा। आगरा दिल्ली रेल खंड पर उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन एक ही ट्रैक पर पहुंच गई। उसके बाद जो हुआ वो देखकर आपके पैरों तले जमीन घिसकने वाली है। जी हाँ, क्या है पूरी घटना जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, आगरा दिल्ली रेल खंड पर उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब रुनकता कीटम के बीच दिल्ली की ओर जा रही पटना कोटा एक्सप्रेस और सचखंड एक्सप्रेस एक ही ट्रैक पर पहुंच जाती है। दरअसल होता यूं है कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से शुक्रवार की सुबह कोहरे में ट्रेन संख्या 03239 पटना कोटा एक्सप्रेस मथुरा की ओर जा रही थी। रास्ते में इंजन में खामी आने के कारण दूसरा इंजन भेजा गया, तब दूसरे इंजन से उसे मथुरा तक ले जाया जा रहा था। इसके बाद ट्रेन संख्या 02716 सचखंड एक्सप्रेस भी मथुरा की ओर जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार पटना कोटा एक्सप्रेस में पीछे भी इंजन लगा था। ऐसे में पीछे आकर रुकी सचखंड एक्सप्रेस से जब यात्री नीचे उतरे तो दंग रह गए। पटना कोटा एक्सप्रेस के पीछे लगा इंजन देख उन्हें लगा सामने से भी ट्रेन आ रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल कर दिया। वीडियो में दोनों ट्रेनों एक ही पटरी पर नजर आ रही है। यह फोटो वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस संबंध में आगरा रेल मंडल की PRO श्रीवास्तव ने बताया कि पटना कोटा का इंजन खराब होने के कारण उसमें पिछले हिस्से में इंजन लगाकर मथुरा भेजा जा रहा था। इसी दरमियान सचखंड भी इस रूट पर दिल्ली जा रही थी। एक ही ट्रैक पर आने की बात ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इसकी जांच की जा रही है, लेकिन ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। घटना की जानकारी लेते हुए उन्होंने बताया कि यह घटना पूरी तरह से गलत है। तो दोस्तों, इस तरह के घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।